Take off our new tip. Roll it in. इस तरीके से मिर्ची को काट लेंगे। सारा सारा मिर्च को हम छुरी की सहायता से कट कर लेंगे। सारा मिर्च में कट कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से इसमें नींबू का रस डाल देंगे।
वीडियो बन गई। तो रोस्ट होने के लिए नमक डाल देते हैं। उसको ढक के छोड़ देते हैं आधा घंटा रोस्ट होने के लिए। उसके बाद मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। फिर कढ़ाई गर्म होने देते हैं। पहले डालेंगे मेथी 2 चम्मच, गरम होने देते हैं। देखिए मेथी हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें डालेंगे धनिया, में डालेंगे मेथी 2 चम्मच, डालेंगे जीरा, सरसों 4 चम्मच सरसों डालेंगे, देखिए सोना सोना महकने लगा है, ब्राउन कलर का हो गया। ये मसाला भूनकर तैयार हो गया। इसको अब मिक्सी में पीस लेते हैं। इसको थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मसाला तैयार करेंगे। इसका तैयार होगा। थोड़ा इसका दरदरा ही पीसेंगे मोटा। देखिए इस तरीका से मसाला पीसकर तैयार कर लिए। बनाएंगे अमचूर पाउडर। मिला लेंगे। मिलाएंगे तेल, सरसों तेल मिलाएंगे।
इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार, उसमें और मिला दिए हैं रोस्ट होने के लिए मिर्च में। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाले को। रोस्ट हो गया, पानी छोड़ दिए हैं देखिए। अब इसमें मसाला भरेंगे, ओके इस तरीके से। इस तरह से सारा मिर्च में मसाला भर लेंगे एक एक करके। देखिए इस तरीके से भर लेना है। देखिए सारा मिर्च में मसाला भर दिए हैं, इसको डब्बा में डाल देंगे। इसमें तेल डाल देंगे, इसको एक सप्ताह के लिए धूप में रख देंगे। उसके बाद मिर्च का अचार तैयार हो गया। देखिए इसको एक सप्ताह के लिए धूप में रख देते हैं।